नमस्ते, मैं खुशी सैनी और मैं एक हेल्थ कोच हूँ और मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को न्यूट्रिशन से रिलेटेड और खाने से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड सही गाइडेंस दे सकूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है लीवर, तो चलिए शुरू करते हैं। लीवर लीवर हमारी बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर के बिना हम अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते। वैसे तो हम किसी भी बॉडी पार्ट के बिना अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकते, बट लीवर हमारी बॉडी में एक अलग ही लेवल का रोल प्ले करता है, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को करने के लिए उत्तरदायी होता है। हमारी बॉडी में ब्लड प्योरीफाई करने का जिम्मा भी कहीं ना कहीं लीवर के भरोसे आता है। साथ के साथ आपको पता होगा कि जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी, हमारा लीवर एक बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे खाने पे जाके गिरता है, जिससे हमारा खाना गलने लगता है या फिर पचने लगता है। अगर लीवर ये काम करना बंद कर देगा तो जो आप खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो लीवर को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्दी लीवर ही आपको एक हेल्दी लाइफ दे सकता है। आजकल हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जो हम खा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, जो हमें बाहर से मिल रहा है वो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, विटामिन मिनरल्स की कमी है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है, तो जिसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हमारा लीवर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अल्कोहल, सिगरेट, ये सारी चीज़ें हमारे लीवर को धीरे धीरे मार रही हैं। में लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे कि फैटी लीवर होना। फैटी लीवर आजकल हर 10 में से 8 लोगों को आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसकी वजह से उनके एब्डोमेन में पेन होने लगता है और उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोगों को भूख ही नहीं लगती क्योंकि उनका लीवर बड़ा हुआ होता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, कहते हो कि भाई लीवर बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रही, तो ये एक सिम्टम होता है लीवर के खराब होने का। साथ के साथ आपका लीवर फैटी होना, आपको खाना डाइजेस्ट ना होना प्रॉपर तरीके से, जॉन्डिस जैसी शिकायत भी आपको लीवर के खराब होने की वजह से देखने को मिल सकती है। हाथ लाल होना भी एक सिम्टम है लीवर के खराब होने का। अगर आप ये सारी चीजें डेली बेसिस में अपने देखें तो आपको सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनका फैटी लीवर होगा ही होगा, जिनको भूख कम लगती होगी, जो एपेटाइट प्रॉपर तरीके से खा नहीं पाते होंगे। लीवर परफॉर्म ही नहीं करता तो आप खाएंगे कैसे, खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो लीवर को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आपकी लीवर की केयर करते हुए जेडी ड्रीम्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड नेचर कैलिन से लेके आया है आप लोगों के लिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जेडी ड्रीम्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ब्लिस वेदा से लेके आए हैं आप लोगों के लिए लीवर DS सिरप। तो ये बेसिकली सिरप आपके लीवर के लिए बनाया गया, आपकी लीवर की टेक केयर करने के लिए बनाया गया, ताकि आपका लीवर ढंग से परफॉर्म करे। और ये बेसिकली सिरप एपेटाइट की ग्रोथ के लिए बनाया गया। अगर आपको भूख नहीं लगती है, लीवर बढ़ गया है, भूख नहीं लग रही है, तो ये उसके लिए 100% वर्क करने वाला है। साथ के साथ अगर आपका लीवर फैटी हो गया है, लीवर डिसफंक्शन में पहुंच गया है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका लीवर ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, तो भी आप इस सिरप को पी सकते हैं। तो पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो आपको अंदर की साइड ये एक छोटी सी बॉटल मिलने वाली है, जो कि कुछ इस तरीके की है। ये आपके लीवर की टेक केयर करेगी और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने में मदद करेगी। आपको इसे 1 टेबलस्पून या फिर 2 टेबलस्पून आपको इसे खाना खाने के बाद पीना है, ताकि आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकें और वेल्दी रख सकें। और आप यकीन मानिए, जब आप इस सिरप को यूज़ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके लीवर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पेट का दर्द चला गया है, भूख ज़्यादा लगने लग गई है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा असरदार है, वो अपना न्यूट्रिशन नहीं खा पाते। तो आप ये उन्हें दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।